हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले कुछ ऐसी फोटो एडिटिंग, तो वीडियो काफ़ी ऑसम होने वाली है, तो वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक एंड चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रीसेट वाली लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसे पेज आएगा, यहाँ पर आपको डैनी पर क्लिक कर देना है एंड जो भी ऐड ओपन होंगे उसे रिमूव कर देना है। इसके बाद आपको इस पेज पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है एंड यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने नया पेज ओपन होगा एंड इस पेज पे भी आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे 10 सेकंड के लिए वेट करना है। 10 सेकंड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर गेट लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड जो भी ऐड यहाँ पे ओपन होंगे आपको उसे रिमूव करते जाना है। उसके बाद आप गूगल ड्राइव वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड स्क्रॉल डाउन करके इस प्रीसेट को कर देना है डाउनलोड। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको अपना फाइल मैनेजर एप्लीकेशन ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है लाइटरूम। लाइटरूम सर्च करने पर जो प्रीसेट हमने अभी डाउनलोड किया वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको उस प्रीसेट को सिलेक्ट करना है एंड देन मूव बटन पर क्लिक करना है। फिर जाना है एंड्रॉयड फोल्डर में डेटा, फिर LR मोबाइल वाले फोल्डर में, फिर फाइल्स, फिर डॉक्यूमेंट, फिर ये जीरो वाला फोल्डर, फिर प्रोफाइल, फिर सेटिंग, फिर यूजर स्टाइल एंड यहाँ पे आपको इस फाइल को कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम बैक आएंगे एंड यहाँ से हम अपनी गैलरी को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हमें जो भी फोटो को एडिट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर शेयर बटन पर क्लिक करके एड टू LR। अब ये फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट हो रही है। इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फिर जाना है ऑल फोटोज पर, फर्स्ट वाले फोटो को ओपन करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे प्रीसेट्स वाले ऑप्शन पर एंड कलर पर क्लिक करेंगे एंड अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड लास्ट वाला यूजर प्रीसेट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन इस प्रीसेट को अप्लाई करके ऊपर से कर देंगे डन। अप्लाई करने के बाद हमें जाना है लाइट्स पे एंड यहाँ से इसका एक्सपोजर को कम कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हो एक्सपोजर को एडजस्ट करने के बाद हमारी फ़ोटो काफ़ी बढ़िया बन चुकी है बिफोर एंड आफ्टर। सेकंड वाली फ़ोटो को ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके प्रीसेट्स पर जाएंगे एंड यहाँ से इस प्रीसेट को अप्लाई कर देंगे। गाइस ये फ़ोटो भी हमारी एडिट हो चुकी है, बिफोर पहले ऐसी थी एंड एडिट करने के बाद कुछ फ़ोटो ऐसी है। नाउ थर्ड वाली फ़ोटो को ओपन करेंगे, प्रीसेट्स पर जाएंगे एंड इस प्रीसेट को अप्लाई कर देंगे। इस फोटो में गाइस हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ये ऐसी ही काफ़ी बढ़िया लग रही है। आप देख सकते हो बिफोर फोटो ऐसी थी एडिट होने के बाद कुछ ऐसी है। नाउ फोर्थ वाली फ़ोटो को ओपन करेंगे, अब स्क्रॉल डाउन करेंगे प्रीसेट पर जाएंगे एंड यहाँ से इस प्रीसेट को अप्लाई कर देंगे, ऊपर से कर देंगे डन। डन करने के बाद गाइस आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। इसमें हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लाइट्स में जाएंगे, एक्सपोजर को कम करेंगे फिर कलर में जाएंगे, मिक्स पर क्लिक करेंगे एंड नाउ अब ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे एंड इसकी ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे, इससे हमारी फेस के ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएंगे। हमारी एडिटिंग हो गई है अब कंप्लीट, बिफोर फोटो ऐसी थी एंड एडिट होने के बाद कुछ ऐसी है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।